हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? ठीक। यस सर। देखो, लास्ट टाइम लोग है ना यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट किए थे, जो आपके प्रोजेक्टाइल का सबसे लास्ट पोर्शन था, दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। इसमें जो डिस्कशन अभी तक आप कर रखे हैं वो ये है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी इंक्लाइन के ऊपर थ्रो करते हैं, तो हमेशा इंक्लाइन के पैरल वाले को आप एक्स एक्सिस लेते हैं और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर को आप वाई एक्सिस लेते हैं। याद आया आपको? लास्ट डे का जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन है। तो आप जो भी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का फायर करेंगे उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, लेकिन कैसे रिजॉल्व करना है? इंक्लाइन के पैरेलल कंपोनेंट में और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। वेलोसिटी को इंक्लाइन के पैरेलल और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको लास्ट डे पढ़ाया गया था वो ये था कि जो भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसको भी हम लोग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। कौन सा? तो एक इंक्लाइन के पैरेलल और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। अब इतना सारा डिस्कशन हो चुका है प्रोजेक्टाइल में, बेसिकली हम लोग ये सीखे हैं कि एक्स के डायरेक्शन में जब हम लोग मोशन का बात करते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देना चाहिए। आप एक्स का डायरेक्शन कहने का मतलब, अभी तक के प्रोजेक्टाइल में एक्स कहने का मतलब हॉरिजेंटल होता था और वाई कहने का मतलब वर्टिकल होता था। जब आप इंक्लाइंड वाले प्रोजेक्टाइल के केस में बात कर रहे हैं तो एक्स का मतलब है पैरेलल टू इंक्लाइन और वाई का मतलब है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सो बी केयरफुल। जब आप इंक्लाइन पे एक्स के अलोंग में बात करेंगे तो आपका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है एक्स के अलोंग में। y कंपोनेंट तो वैसे भी वेरिएबल होता है, तो y कंपोनेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो इंक्लाइन के पैरेलल है वो भी वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, उसको लेके चलना है। अब यहाँ से देखो, आपको यहाँ से दो तीन टर्म्स है ना कैलकुलेशन बताया गया। लास्ट डे आप पढ़े थे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, उसके लिए सारा डिस्कशन हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग में किए। आप जिस पॉइंट से बॉडी को फेंके वहां टाइम जीरो था, वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का जीरो था। जब ये लैंड किया उस पॉइंट पे आपका टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है और एस वाई का वैल्यू भी जीरो है। तो आप जब भी टाइम का कैलकुलेशन करते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में, हमेशा ध्यान रखिए आप वाई एक्सिस के अलोंग में बात करते हैं। तो एस वाई का वैल्यू जीरो जब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, इसका लेके हम लोग सारा कैलकुलेशन किए, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया टू वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला पार्ट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। ये रहा टर्म्स तुम्हारे सामने। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी। जब हमारा प्रोजेक्टाइल नीचे वाले पॉइंट से फेंका गया टी इक्वल्स टू जीरो के टाइम पे, तो यहां इसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था, कितना था? तो वी नॉट का कॉस थीटा था। और वाई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, कितना है? तो ये है हम लोगों का वी नॉट का साइन थीटा। तो चलो भाई, अच्छा है अगर हम तुमसे बोले कि भाई किसी पॉइंट पे जहां टाइम लगा है टी, वहां का वेलोसिटी निकाल के दिखाओ यहां का वेलोसिटी, तो आपको उस पॉइंट पे एक वेलोसिटी इंक्लाइन के पैरेलल, जिसको कि आप वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कहेंगे, और एक कंपोनेंट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जिसको आप वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कहेंगे, ऐसे दोनों कंपोनेंट्स आप अलग अलग निकाल लें, ऐसे दोनों कंपोनेंट्स आप अलग अलग निकाल लें और उसके बाद दोनों को लेके वेक्टर फॉर्म में लिख दो, जो आया वही आंसर। ठीक है, इंक्लाइन के पैरेलल वाले को आप एक्स मान रहे हैं, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाले को आप वाई मान रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलो यस आ जाओ यहाँ पे देख लो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, उस जी का इधर वाला कंपोनेंट, बिकॉज ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा, तो ये है जी का कॉस अल्फा और ये है जी का
साइन अल्फा, ये काम करता है एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट की तरह और ये काम करता है एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट की तरह। चलिए दोनों का एक एक बार में डिस्कशन करें। कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कहने का मतलब है इंक्लाइन के पैरेलल। एक्स एक्सिस कहने का मतलब है इंक्लाइन के पैरेलल। तो वेलोसिटी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस एक्सेलरेशन एक्स इनटू टी। तो वेलोसिटी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स के जगह पे आप लिख सकते हैं बी नॉट का कॉस थीटा। बोलो तो एक्सेलरेशन एक्स के जगह पे तुम क्या लिख सकता है? जी साइन अल्फा और साथ में मल्टीप्लाइड विद टी, ये तुमको वेलोसिटी का एक्स दे देगा। अच्छा ये माइनस क्यों हुआ यार? सर अपोजिट था डायरेक्शन। वेरी गुड वेरी गुड। अब कंसिडरिंग मोशन अलोंग y एक्सिस, अब आप y एक्सिस में मोशन को कंसीडर करें। जब आप y एक्सिस में मोशन को कंसीडर करेंगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी का y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का y प्लस एक्सेलरेशन y एंड t। तो आपको मिला वेलोसिटी का y इज u y कितना है, तो क्या वो v नॉट का साइन थीटा है और एक्सेलरेशन y में माइनस g cos अल्फा और साथ में लगेगा टी। ये आपको मिला वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब आपको एक्स कंपोनेंट मिल गया है, वाई कंपोनेंट मिल गया है, अब आपको एक्स कंपोनेंट मिल गया है, वाई कंपोनेंट मिल गया है, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे जहां चाहिएगा वहां पे आप टोटल वेलोसिटी लिख दीजिएगा। तो वेलोसिटी जो आप लिखेंगे वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के साथ, हम आई कैप नहीं लगाना चाहते। बोलो क्यों? हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बोल रहे हैं लेकिन हम आई कैप नहीं लगाना चाहते, कोई बताएगा क्यों? बोलो बोलो। क्योंकि आई कैप हमेशा हॉरिजेंटल के लिए लगता है साहब। अभी आपके पास अगर आप नेट वेलोसिटी चाहिएगा तो मैग्नीट्यूड के तौर पे आप रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है तो कुछ पूछ लो, जो भी डाउट है यू कैन आस्क दैट। तो चलो देखो आगे। नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन। मतलब मान लो फेंकने वाला पॉइंट ए है तो जहां लैंड किया उसको अगर आप बी कह देते हैं तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो कहलाएगा रेंज। ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो कहलाएगा रेंज। तो भाई रेंज निकालने का तरीका क्या? रेंज निकालने का तरीका देखो, फेंकने का टाइम जीरो, लैंड करने का टाइम कैपिटल टी, फेंकते समय एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, लैंड करते समय एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रेंज के बराबर, रेंज के बराबर। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू एक्स कितना? तो भाई वी नॉट का कॉस थीटा। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना? तो भाई वी नॉट का साइन थीटा। एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक जी इधर है, एक जी का कॉस अल्फा इधर है और एक जी का साइन अल्फा इधर है। क्या आपको पता चल रहा है रेंज निकालने के लिए हम लोग किस डायरेक्शन में मोशन के बारे में बात करें? इंक्लाइन के पैरेलल या इंक्लाइन के परपेंडिकुलर? इंक्लाइन के पैरेलल। पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का अगर आपको रेंज देखना है कंसिडरिंग मोशन अलोंग, सॉरी 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 एक्स लिखना है, कंसिडरिंग मोशन अलोंग एक्स एक्सिस।
considering motion along x-axis. X-axis. तो लिखेंगे ऐसे Sx is equals to ux into t plus half acceleration x and t का स्क्वायर. देखते जाना. Sx में r लिख रहे हैं, ux में लिख रहे हैं v0 का cos theta. अच्छा इस टी के जगह कैपिटल टी पुट करें ना, क्योंकि जब हम आप ए से बी तक बात करेंगे तो टाइम आपका तो कैपिटल टी के बराबर है. इज दिस क्लियर? यस. तो यहाँ कैपिटल टी रहा प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स में बोलो कितना लिखे. बोलो बोलो जी. साइन प्लस लिखे या माइनस? माइनस जी साइन अल्फा. वेरी गुड. माइनस जी साइन अल्फा. माइनस जी साइन अल्फा और फिर से यहाँ टी का स्क्वायर. पता है इस इक्वेशन से आप आराम से रेंज का कैलकुलेशन कर सकते हैं. इस इक्वेशन की मदद से आप आराम से रेंज का कैलकुलेशन कर सकते हैं. बस आपको टी याद होना चाहिए. कोई आपको बताएगा इसमें जो कैपिटल टी है उसका वैल्यू क्या होता है? बोलो. 2u sin theta by g cos alpha. 2u का मतलब 2u sin theta by g cos alpha. Very good. आप यहां से t निकाल के इसमें प्लस कर दीजिए, रेंज मिल जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes. So this is the motion of projectile on incline. कोई incline लीजिएगा तो उसमें projectile कैसे behave करेगा आपको समझना चाहिए. अच्छे से देखिए. कोई भी डाउट हो, रत्ती भर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा तो वो डाटा देगा. वो कैसे देगा ना कि देखो जी हॉरिजॉन्टल से कोई एक इंक्लाइन है जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है. अब इंक्लाइन से आप 53 डिग्री एंगल पे किसी प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिए. बताइए वो जहां इंक्लाइन को हिट करेगा उसका डिस्टेंस क्या है? तो इनडायरेक्टली रेंज है. पहले आपको अल्फा थीटा वेलोसिटी इन सब का एक करेक्ट फिगर लेके है ना डायग्राम बना लेना चाहिए, और फिर डायग्राम के हिसाब से आपको ये प्लान तैयार करके रखना चाहिए. हाँ, इसके ऊपर कैलकुलेशन करना. अब आपको कैलकुलेशन करना है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, पहले ये सारा तैयारी होता है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. ठीक है, देख लो कहीं डाउट है पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे. धीरे धीरे खत्म कर रहे हो. है कुछ? नो सर. ठीक है, गुड. अब देखो हम लोग जिस प्रोजेक्टाइल को अभी तक नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, अब हम लोग ऊपर से नीचे फेंके. मान लो जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है, ऊपर से फेंका गया तो वो फॉलो करता हुआ पाथ है ना नीचे गिरेगा. सही है? इस बार तुम्हारे इस यू का एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर आएगा, यू का एक्स, जिसको आप अगर आप चाहो तो यू कॉस थीटा लिख लो, और ये कंपोनेंट इधर आएगा, यू का वाई कंपोनेंट तुम चाहो तो यू साइन थीटा लिख लो. अब देखो यहां भी हमारा जी का दो कंपोनेंट है, एक है इंक्लाइन के पैरेलल जी का साइन अल्फा, दूसरा है इंक्लाइन के पैरेलल जी का कॉस अल्फा. क्या बोलते हो? ए से चलेगा मोशन है ना, बी तक पहुंचेगा. सोच के बताओ x के डायरेक्शन में जो मोशन है उसमें आप एक्सेलरेशन वर्ड लगाएंगे या डिसेलरेशन? सर एक्सेलरेशन. कारण बताओ. सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन. हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन. वेरी गुड. और y के डायरेक्शन में मोशन को कैसे कंसीडर करोगे? डी एक्सेलरेशन. वेरी गुड, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है. क्या मेरी बात सब तक समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? अब इसके बेसिस पे आप बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं. देखिए जैसे हम शॉर्टकट में लिखते चलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आप लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी. अच्छा सोचिएगा, ए से बी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. हम आपको एक चीज का एश्योरेंस दें
कि टाइम ऑफ फ्लाइट में एस वाई जीरो होता है, और अगर आप टी निकालिएगा तो टू वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और एक्सलेशन का वाई यही आएगा, ठीक है। फॉर रेंज, अगर आप रेंज लीजिएगा, रेंज कहने का मतलब है ए से बी, तो देखिए आपका वैल्यू होगा आर इज इक्वल्स टू यू एक्स इन टू टी प्लस हाफ एक्सलेशन एक्स एंड टी का स्क्वायर, इज दिस क्लियर। और अगर आप वेलोसिटी लिखिएगा तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। मन बहुत कंफ्यूज हो गया, दिमाग बहुत कंफ्यूज हो गया, दोनों में एक ही जैसा लिख दिए, हम एक ही जैसा लिख दिए, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बाकी साइन तो आपको अपने हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से पुट करना है। जैसे यहां तुम लिखोगे तो यहां तुम लिखोगे u cos थीटा प्लस g sin अल्फा इंटू टी, और यहां तुम लिखोगे u sin थीटा माइनस g cos अल्फा इंटू टी। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ रही है आपको? तो देखिए रेंज है, वेलोसिटी है, टाइम है, अगर ऊपर से फेंकेगा तो वो नीचे गिरेगा, और जब वो नीचे गिरेगा तो वैसे केस में x का मोशन एक्सेलरेटेड, y का मोशन डिसेलरेटेड होगा, और जब हम लोग नीचे से फेंकते थे, ऊपर जाता था तो y का मोशन भी डी एक्सेलरेटेड और x का मोशन भी डी एक्सेलरेटेड, बोलो सही है? ये रहा तुम्हारे पास जब आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे। अब देखो ये बात में हम लोग देख लेते हैं, एक चीज और हमको आपको इसमें बताना है, जो खास क्वेश्चन आता है इंक्लाइन पे, जो प्रोजेक्टाइल आप पढ़ रहे हो ना, ये स्कूल सिलेबस में नहीं, इंक्लाइन पे जो प्रोजेक्टाइल है वो स्कूल सिलेबस में नहीं है, ये प्योर कॉम्पिटिशन का टॉपिक है। बिकॉज आप प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं तो एट द एंड जो भी कॉम्पिटिशन का बचा हुआ पोर्शन होता दैट मस्ट बी कवर, तो इस हिसाब से आपको ये पढ़ाया जा रहा है। इंक्लाइन के ऊपर अगर आप प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक और केस का न्यूमेरिकल बहुत फेमस है, जो हमेशा है ना कहीं एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और वो है कि अगर प्रोजेक्टाइल लैंड करते समय इंक्लाइन को हिट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या बोले, प्रोजेक्टाइल लैंड करते समय इंक्लाइन को हिट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो केवल y में होगा, फाइनल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो जीरो होगा। अगर केस में ये मेंशन है कि भाई प्रोजेक्टाइल विल हिट द इंक्लाइंड परपेंडिकुलरली, प्रोजेक्टाइल विल हिट द इंक्लाइंड परपेंडिकुलरली, तब आप न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से सुनो और समझो, हमारे इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है ऐसा, वी नॉट का कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट है इधर, वी नॉट का साइन थीटा, ये यू का वाई है, जी आप देख ही चुके हैं ये है जी का कॉस अल्फा, ये है जी का साइन अल्फा। तो अब बाकी क्या बचता है? बाकी आपके सामने बचता है कि बिकॉज इस पॉइंट पे जब ये हिट कर रहा है तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा? यस सर। इफ इफ प्रोजेक्टाइल hit the incline perpendicular, then velocity का जो x component है, final velocity का जो x component है, that should be equals to zero, वो zero होगा, ठीक है। अब आप x component लिखना सीखे हैं, ux plus acceleration x into t is equals to zero, फिर से ux plus एक्सलेशन एक्स, बिकॉज जहां लैंड कर रहा है फेंकते समय टाइम अगर जीरो था तो जहां लैंड कर रहा वहां का टाइम तो टी है ना, टी विल बी इक्वल्स टू जीरो, यूएक्स के जगह पे वी नॉट का कॉस थीटा,
और एक्स के जगह पे माइनस साइन के साथ जी साइन अल्फा, दिस विल बी इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू जीरो. तो कैन बी फाइंड दैट द कंडीशन कि कितना वेलोसिटी हो, कितना एंगल पे हो, जो पूछेगा वो निकालो, जो पूछेगा वो निकालो. इज दिस क्लियर? यस ये आपका प्रोजेक्टाइल का वो पार्ट है जो आप इंक्लाइन के ऊपर सॉल्व करते हैं या सोचते हैं. कहीं किसी को डाउट है फिर से पूछ लो, कहीं किसी को डाउट है फिर से पूछ लो. आइए इस क्वेश्चन पे, ये एक्चुअली बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपसे अलग-अलग तरह से पूछा जाता है. सुनना ध्यान से. आप एक एरोप्लेन में पायलट है, आप एक एरोप्लेन में पायलट है. आपको बोला गया एक बॉक्स को ड्रॉप करने के लिए कहीं. आप एरोप्लेन को ऐसे ही हॉरिजेंटली उड़ा रहे हैं और आप एक बॉक्स को ड्रॉप किए. अब इस बॉक्स को दो पर्सन देख रहा है, एक हम जो जमीन पे खड़े होके बॉक्स को देख रहे हैं और एक आप जो पायलट है वो बॉक्स को देख रहे हैं. तो ध्यान रखिए, जमीन से अगर आप देखिएगा तो बॉक्स का मोशन प्रोजेक्टाइल होगा, टू डायमेंशनल होगा. इज दिस क्लियर? यस बॉक्स का मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा, टू डायमेंशनल होगा. लेकिन अगर आप एक पायलट की तरह बॉक्स को देख रहे हैं, पायलट की तरह अगर आप बॉक्स को देख रहे हैं, तो आपको बॉक्स किधर जाता हुआ दिखाई देगा? केवल नीचे, जी केवल नीचे. हमेशा ध्यान रखना कि इसके पीछे का, देखो ये पायलट व्यू लिखा है, ये कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है उसका व्यू दिखा रहा है ना प्रोजेक्टाइल. और पायलट कैसे देखेगा? केवल ये नीचे जा रहा है. होता क्या है? होता ये है, जरा देखो देखो, अभी पायलट यहां, बॉक्स यहां. अभी ऐसा देखो, ऐसा देखो, हर बार जो मेरा प्लेन है बॉक्स हमेशा उसके नीचे. अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बॉक्स हमेशा प्लेन के नीचे ही है? ऐसा क्यों होता है कि बॉक्स हमेशा प्लेन के नीचे ही है? एरोप्लेन के साथ साथ बॉक्स भी मोशन में है। हाँ जी, क्या बोले? एकदम सही बोले कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो हमारे प्लेन का है. देखो, जब ये प्लेन यहां से है ना बॉक्स को रिलीज करता है, जस्ट अ मिनट, जब ये प्लेन बॉक्स को रिलीज करता है ना, उस समय बॉक्स और इनका दोनों का सेम वेलोसिटी. अब हमेशा दोनों का सेम वेलोसिटी होने से हुआ क्या कि हॉरिजेंटली हमेशा दोनों एक साथ रहेगा. हॉरिजेंटली दे आर ऑलवेज टुगेदर, हॉरिजेंटली दे आर ऑलवेज टुगेदर. ओके, हॉरिजेंटली दे आर ऑलवेज टुगेदर, बट वर्टिकली प्लेन तो सीधा 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 चला गया, लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेन कर रहा है, इस वजह से ये लगातार आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है. क्या बोलते हो, समझ में आया? यस ठीक. यस अब एक दो क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दो, एक दो क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दो. अगर पायलट अपने प्लेन को एक्सलरेट कर दे, बॉक्स गिरा उसके बाद एक्सलरेट कर दे, तो बताओ तो क्या होगा? सब बॉक्स से आगे चल जाएगा। बॉक्स से आगे चला जाएगा, बॉक्स उसको पीछे गिरता हुआ दिखाई देगा. इज दिस क्लियर? यस यस अच्छा, अभी मान लीजिए आप किसी बस में, बस के छत पे खड़े हैं. देखे होंगे खास तौर पे बिहार झारखंड ये सब में बस के छत पे आदमी लोग चढ़ के यात्रा करता देखा है. अब मान लो जैसे बस है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तुम्हारे हाथ में बॉल है, तुम अपना टाइम काट रहा है, तो तुम बॉल को फेंकेगा ना, बार बार वो हाथ में गिरेगा. अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो बार बार हाथ में गिरेगा. तुम ऊपर फेंक दो, कितना भी ऊपर फेंक दो, हम लोग को एयर नहीं सोचना है. अगर बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा, तुम कितना भी ऊपर फेंक दे ना, हमेशा वो हाथ में ही गिरेगा. लेकिन सोचना, तुम फेंका बॉल और बस हो गया एक्सलरेट, तो क्या होगा? बॉल पीछे गिर जाए, तुम आगे निकल जाएगा. और कहीं तुम बॉल फेंका और ड्राइवर उसी समय ब्रेक मार दिया, तो क्या होगा? बॉल है ना बस के आगे गिरेगा, तुम थोड़ा पीछे ही रह जाएगा. बोलो, समझा? यस सर.
तो ये सब चीज है ना इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ट होता है, जिसको आपको एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम आपको स्लाइड भेजेंगे तो ये भी रहेगा उसमें, तो उसमें आप है ना केस वन, केस टू, केस थ्री, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रहा प्लेन का तब क्या होगा, अगर प्लेन का वेलोसिटी हम इंक्रीज करें तब क्या होगा, और अगर हम प्लेन का वेलोसिटी डिक्रीज करें तब क्या होगा, ये तीनों केस अपने से लिख लीजिएगा अच्छे से। इज दिस क्लियर? चलिए बढ़िया। आइए आप कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं साथ में, आइए आप कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं साथ में। प्रोजेक्टाइल आज खत्म हो रहा है तो एंड विथ न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? न्यूमेरिकल के साथ खत्म करेंगे। देखिए आपके पास हम 6 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, आज हम लोग को एक दो और क्वेश्चन करना है, फिर हम आपको है ना जो भेजेंगे उसमें होमवर्क के तौर पे बचा हुआ सारा क्वेश्चन होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, आपको डाउट होगा पूछ लीजिएगा। देखिए लिखा है टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पे प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम ओ टेक्स अ रीजन ऑन द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 एट एन एंगल ऑफ 53 विद द हॉरिजॉन्टल। It just passes two points A and B, each of height 75 meter above horizontal as shown. तो ये आपके पास 75 meter पे ये दो बार पहुंचा, एक बार यहाँ A पे, एक बार यहाँ B पे. The horizontal separation between the points A and B is. अब देखो, आपको A और B के बीच का horizontal separation बताना है. A और B के बीच का horizontal separation बताना है आपको A और B के बीच. Is this clear? आवाज आ रही है? Yes. इतना सन्नाटा छा जाता है ना कि हमको नेटवर्क पे है ना शक हो जाता है, ठीक है? हम कहां बोल रहे हैं आपको निकालना, हम अभी आपको एक दो बना के दिखाएंगे, आपको बाकी सब बनाना है, ठीक है? हम शुरुआत में अच्छा क्वेश्चन रख लिए ताकि आपको चीजें है ना, देखो ए बी सी करके है ना दो तीन चीज हम समझा सके। देखो आपको याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बोलो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला, अरे बोलो बोलो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला बोलो। देखो पिन ड्रॉप साइलेंस इसी को कहते हैं, क्लास में साइलेंस कैसे मेंटेन होता है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लीजिए, सब साइलेंट हो जाएगा। और यहाँ टीचर और स्कूल वाला सब टीचर लोग क्या करता है, चुप रहो ये चुप रहो ये अल्लाह मत करो, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लीजिए, देखिए सब शांत हो जाता है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वाई इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े हो कभी? यस सर। ठीक है, तो अगर याद नहीं रहेगा तो पढ़ाई का कोई यूज होता है बताओ तुम्हें? कोई यूज नहीं। अगर आप याद इतना ही किए हैं तो कितना भी अच्छा हम पढ़ा लिए, कितना भी आप अच्छा नोट्स बना लिए, कितना भी आप उस समय सिंसियर थे, पता ये सब जीरो हो गया। मेरा मेहनत, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारे पापा का फाइनेंस, ये सब है ना जीरो हो गया जब आपको समय पे ये चीज याद ना आए। देखो कितना सिंपल लॉजिक है, अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तब जाके है ना हम लोग सबका मेहनत है ना कंबाइंड वे से है ना सक्सेस होता है। मेरा मेहनत, तुम्हारा मेहनत, मेरा मेहनत छोड़ दो, हम तो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मेहनत, तुम्हारे पेरेंट्स का अपना जो सोच है उन सब पे तो थोड़ा ध्यान दो, हमको छोड़ दीजिए भाई, मेरा तो काम है, देखो लाइन कट गया है, फैन ऑफ हो गया है, एसी ऑफ हो गया है, फिर भी हम है ना लगे हुए कंटिन्यू, ठीक है? तो चीज को समझिए, हम अपने लिए बात नहीं कर, लेकिन अपने लिए तो सोचिए, अपने लिए सोचिए, अगर आप याद नहीं रखिएगा तो इतना मेहनत आपका भी बेकार है। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज सिखाया गया था कि ये जो आपको दिख रहा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद आया? यस सर। आपको ये सिखाया गया था कि देखो भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दिस विल गिव टू वैल्यूज ऑफ एक्स, ये एक्स का दो वैल्यू देगा, बोलो है कि नहीं? क्वाड्रेटिक होता है ना जब आप सॉल्व करते हैं तो दो रूट आता है,
पता आपको कौन दो रूट होगा? वो एक्चुअली दो रूट होगा, यहां से यहां तक एक्स वन और यहां से लेके यहां तक एक्स टू, यहां से यहां तक एक्स वन होगा और यहां से यहां तक एक्स टू होगा, और वाई के जगह 75 होगा, यू के जगह 50 होगा, थीटा के जगह 53 होगा। मतलब आप वाई के जगह 75 लिख लीजिए, एक्स टैन 53 डिग्री लिख लीजिए, माइनस जी के जगह 10 एक्स का स्क्वायर नीचे 2, यू के जगह पे 50 का स्क्वायर, और फिर आप कॉस स्क्वायर 53 डिग्री लिख लीजिए। 75 tan 53 का वैल्यू 4/3, माइनस 10 एक्स स्क्वायर, देखना जरा 2 × 2500, कॉस 53 का वैल्यू होता है 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे 9/5, ठीक है। कर लेते हैं थोड़ा काम, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से ये कटा 50, 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 इंटू 90 हो गया 9, हो गया 900। सो 75 इज इक्वल्स टू 4x/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 900। अच्छा चलो हम इसको कैलकुलेट नहीं करते, हम आपसे ऐसे ही बोल देते हैं, क्या देख रहे हो ना इसको, ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गया है ना। यस, इसको सॉल्व तो कर पाओगे ना, इसको सॉल्व करके इसका दो रूट निकाल लोगे ना, जो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यस पढ़ा है तुम लोग? यस सर, निकाल लेगा। अच्छा निकाल लेगा, चलो भरोसा है हमको तुम पर, तुम निकाल लेगा, वेरी गुड। तो अगर तुमको दो रूट मिल गया तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो एक्स वन है, ओके, और जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो एक्स टू है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन होगा। सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, बस कैलकुलेशन ठीक से कीजिएगा आप लोग, कोई इफ एंड बट है ही नहीं, कुछ चिंता नहीं करना, बस कैलकुलेशन ठीक कर। पहला काम अब पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहां है? आप याद करो, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखना हम आपको सिखाए, हम आपको दिखा रहे हैं, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखना आपको सिखाया गया है। देखिएगा हम थोड़ा आपको स्लाइड में दिखाएं, किसी भी टाइम हम आपको दिखा देते हैं, सबके लिए काम हो रहा है, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट लिखना सिखाए हैं। हाँ देखो ये रहा, इसको देखो, कोऑर्डिनेट फॉर पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो वेलोसिटी का एक्स इनटू टी, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ay इनटू t स्क्वायर। ये रहा पोजीशन, आपको r निकालना है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा। ये है आपके पास कॉन्सेप्ट। तो आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है, आपका न्यूमेरिकल ये कहता है कि हाँ भाई अगर आपको चाहिए, देखो क्या लिखा, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो आपको टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे काम करना होगा, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बना रहे, x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ x इनटू t, वेलोसिटी ऑफ x होगा u का cos 53 डिग्री इनटू टाइम के जगह 2। u कितना है भाई, 50 है, cos 53 कितना है, 3/5 है इनटू 2, तो 5 से 10 10 6 60 60 मीटर। इसी तरह y कंपोनेंट निकालने के लिए uyt प्लस हाफ एक्सेलरेशन y एंड t स्क्वायर। UY कितना है, तो U sin 53 डिग्री टाइम के जगह पे 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है माइनस G और टाइम के जगह पे 2 का स्क्वायर। तो ये Y हो गया हम लोगों का 50 sin 53 का वैल्यू 4/5 इनटू 2 माइनस 5 4 20। तो Y आ गया हम लोगों का 5 से ये कटा 10 80 में से 20 गया 60, ये भी आ गया 60 मीटर। तो देखो भाई x भी आ गया 60 मीटर, y भी आ गया 60 मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं
तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप मतलब 60 आई कैप एंड 60 जे कैप। और अगर आप इसका डिस्टेंस निकालते हैं मतलब मॉड करेंगे रूट अंडर 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, बोलो कितना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, लो तुम्हारे बोलते बोलते आंसर कंप्लीट, जल्दी बोलो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 2 मीटर पे जहां होगा, सॉरी 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 2 सेकंड पे जहां होगा उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 60√2 है। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? न्यूमेरिकल्स ऐसे बनता, आप हड़बड़ाइए नहीं, आप समझिए कैसे बन रहा है, देखिए समझिए, क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, आपको है ना जो पढ़ाया गया चीज है उसको यूज करना पड़ता है, दिमाग फ्रेश, फॉर्मूला सब याद, तब न्यूमेरिकल टच करो। फॉर्मूला याद नहीं है, न्यूमेरिकल क्यों छू रहे हो, अपना ही है ना डिमोरलाइज होने का कारण खोज रहे हो। जब तक फॉर्मूला पूरा याद नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, न्यूमेरिकल टच ना करें। तो सर तब तो हम लोग कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे सर, ये आपका गलती है। आप वैसे भी बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल टच कीजिएगा तो भी नहीं बनने वाला। तो पहले अच्छा होगा क्या कि फॉर्मूला देखें अच्छे से, कॉन्सेप्ट को 2-3 बार रिविजन करें, दिमाग में जाने दे कि हाँ हो रहा है क्या, होगा क्या, जो सिचुएशन देता है वो कैसे हमसे कुछ पूछता है वो समझे। कितना अच्छा क्वेश्चन, बोला ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो भाई जिसको ये याद रहेगा वही ना बनाएगा, जिसको याद ही नहीं है वो तो एक ही बात बोलेगा कि हमसे फिजिक्स नहीं बनता है। अरे भाई आपसे फिजिक्स नहीं बनता ये हो ही नहीं सकता, आप एक्चुअली फॉर्मूला याद नहीं किए हैं इसलिए नहीं बनता। अब आप बोलिएगा सर हमको बनाना है मटन बिरयानी और आपको उसका रेसिपी ही नहीं पता है तो कहां से बनेगा, बात यही है। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द हॉरिजेंटल ग्राउंड। देखिए एक हॉरिजेंटल ग्राउंड पे 20 मीटर हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, सुनना वर्ड बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, ड्रॉप किया गया। अच्छा अगर विंड ना रहे, विंड ना रहे और इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा तो ये सीधा नीचे गिरेगा ना। लेकिन अगर मान लो तुम अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करना, तुम्हारे घर में टेबल फैन है, ठीक, अगर नहीं है तो जनरेट कीजिए कैसे, उधर एक लड़के को खड़ा कर दीजिए, उसके हाथ में है ना बड़ा सा है ना कॉपी धरा दीजिए, बोलिए ऐसे ऐसे करेगा हवा जनरेट हो, ठीक है छोड़ो मारो गोली इसको। देखो अगर वहां पे कोई भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हवा नहीं है तो आप एक कागज को अच्छे से ऐसे मोड़ देना, फटा हुआ कागज ले लेना ऐसे मोड़ देना छोड़ना, वो सीधा गिर जाएगा। लेकिन अब उस लड़के को जिसको तुम बड़ा सा कॉपी दिया बोला है भाई पंखा चला, जब पंखा चलाएगा इसे अब फिर तुम कागज को छोड़ेगा तो इधर से अगर चला रहा होगा तो कागज यही गिरेगा कि इसके इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, तो उसके इधर जाने के पीछे विंड होता है। इसलिए हम लोग क्या बोले, प्रोजेक्टाइल जब पढ़ना स्टार्ट किए बोले विंड का इफेक्ट नहीं लोगे, एकदम शुरुआती क्लास में आप देखिएगा आपको शुरुआती स्लाइड्स में बोल दिया गया है कि भाई विंड का इफेक्ट और अर्थ का रोटेशन और जी का वैल्यू ये सब हम लोग को कॉन्स्टेंट लेके चलना है, अर्थ का रोटेशन नेग्लेक्ट करना है, विंड का इफेक्ट नेग्लेक्ट करना है, याद आया? Yes, sir. Yes. अब देखिए क्या बोले सर, फिर x तो वेरिएबल हो जाएगा। हाँ एकदम हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन वही है, एकदम क्वेश्चन वही, देखिए पढ़िए अच्छे से। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम हॉरिजेंटल ग्राउंड। देखो विदाउट विंड, अगर विंड नहीं हो तो आप अगर इसको यहां से ड्रॉप करेंगे, वर्ड है ड्रॉप, तो याद रखिए सीधा यहीं गिर जाएगा, बोलो सही है। विथ विंड, अगर आप विंड भी ले लिए, अब देखिए सोचिए देखिएगा, जब आप यहां से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, वर्ड है ड्रॉप, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी जीरो है और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी जीरो है।
लेकिन यहाँ पे विंड है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, विंड इधर से इधर चल रहा है तो वो भी एक एक्सलेशन जनरेट कर रहा, क्वेश्चन में दिया है। बोला पार्टिकल बिकम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सलेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वर्टिकल वाला तो आप जानते ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो जी सही बोल रहे हैं? यस। अब जरा सोच के सब बताना, क्या इस येलो लाइन पे ये मेरा बॉल गिरेगा? इस येलो लाइन पे ये मेरा बॉल गिरेगा? नहीं, ये येलो लाइन पे बॉल नहीं गिरेगा। बॉल गिरेगा, बॉल गिरेगा, बॉल गिरेगा इस ग्रीन लाइन पे। देखो ये ग्रीन लाइन पे फॉलो करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब देखो क्या बोला, फाइंड द हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टिल रीचेस ग्राउंड। उसको ग्राउंड रीच करने में जितना समय लगा उसमें यह हॉरिजेंटली कितना आगे बढ़ गया, तुमको ये निकालना, तुमको ये निकालना। पहले देखिए देखिए देखिए, पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि उसको ग्राउंड रीच करने में टाइम कितना लगा। अच्छा भाई, टाइम के लिए हम लोग एक्स में देखते हैं या वाई में? वाई में। वाई में देखते हैं। फॉर टाइम, फॉर टाइम कंसिडरिंग मोशन अलोंग y एक्सिस, टाइम के लिए आप मोशन अलोंग y एक्सिस देखें, टाइम के लिए आप मोशन अलोंग y एक्सिस देखें, तो sy इज इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ एक्सेलरेशन y एंड t स्क्वायर। बोलो सही जा रहे हैं? sy कितना ट्रेवल करेगा? 20 मीटर हाइट आवर था, 20 मीटर का हाइट था, ग्राउंड रीच करा तो 20 मीटर, u का वैल्यू 0, हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू g के बराबर, t का स्क्वायर, इससे ये कटा इधर आ गया, 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो उसको 2 सेकंड लगेगा जमीन पे पहुंचने में, 2 सेकंड में जमीन पे। अब बताओ B से C तक का डिस्टेंस आपको चाहिए, उसके लिए कौन सा मोशन कंसीडर कीजिएगा, X या Y? X। X। X में क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, हम कोई डाटा पूछ रहे, बताना U का X वैल्यू कितना लोगे, U का X वैल्यू कितना लोगे? जीरो। और एक्सेलरेशन एक्स कितना लोगे? 6। टाइम कितना लोगे? 2 सेकंड। वेरी गुड, सबको है ना, बस एस एक्स इज इक्वल टू, सबको है ना, अलोंग एक्स एक्सिस सब सोचो, अलोंग एक्स एक्सिस सब सोचो, तो क्या लिखते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स एंड टी स्क्वायर। ux का वैल्यू तुम बोला 0 ले लीजिए सर, एक्सेलरेशन 2 ले लेना है और टाइम को 2 का स्क्वायर कर देना है, सॉरी 6 लेना है ना, एक्सेलरेशन 6 लेना है, 2 से 2 कटा ये 12 मीटर। इज दिस क्लियर? यस सर। ये 12 मीटर समझ में आ रहा है? यस। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आप इसको कहते हैं, और न्यूमेरिकल ही आएगा कंपटीशन में, हम तुमको अभी बोल देते हैं न्यूमेरिकल्स ही आएगा कंपटीशन में। अगर आप स्कूल और कंपटीशन को अगर आप है ना कंपेयर करना चाहते हैं, तो स्कूल में देखो 100% जो आपका सिलेबस से क्वेश्चन आता है उसमें लगभग 50% या 40% है ना डेरिवेशन टाइप होता है। डेरिवेशन जैसे तुमसे बोलेगा प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करो, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट डिराइव करो, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद 20 से 30% का क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, जैसे तुमसे बोलेगा कि अगर हम थीटा को बढ़ाते जा रहे, थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेंज, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन हाइट, पढ़ा हो ना? Yes. तो ये सब कॉन्सेप्चुअल कहलाता है, और 20% के आसपास न्यूमेरिकल्स रहता है इस तरह का, उसमें भी बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस होता है। एनसीईआरटी जरूर बना लीजिएगा स्कूल के लिए, ठीक है, जरूर बना लीजिएगा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस होता है स्कूल में। न्यूमेरिकल 20%, कॉन्सेप्चुअल 30-40%, और उसी तरह डेरिवेशन भी 30-40% रहता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन में बैठते हैं 60% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, जैसे अभी आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको 60% मिलेगा। बनाओ भाई, बनाओ, टिक करो, बनाओ, टिक करो, बनाओ, टिक करो, बनाओ, टिक करो।
50% क्वेश्चन होता है जो कॉन्सेप्ट बेस्ट रहता है, जिसमें स्टेटमेंट्स रहेगा ये सही होगा, ये सही होगा, मे भी सही है, मे नॉट भी सही है, एंड सो ऑन सो ऑन सो। और 10% कुछ होगा डिराइवेशन जैसा, हाँ इसको डिराइव करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या आएगा बताओ जरा, वो 10%। मतलब कहानी है ना उलट जाती है। सो कंसंट्रेट ऑन न्यूमेरिकल्स, अगर आप कॉम्बिनेशन पे फोकस है, कंसंट्रेट ऑन न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बनाइए, उसके लिए काम कीजिए। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या बोला लिखा है, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 53 टू हॉरिजॉन्टल, इट इज स्पीड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 0.45 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। पहले तो आपको इस क्वेश्चन का एक एप्रोप्रिएट फिगर समझना चाहिए। आप बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी दिस एट एन एंगल 53 टू हॉरिजॉन्टल, ठीक। आप यहां से एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए हैं। सबसे पहले आप लोग फिगर बनाना सीखे एट एन एंगल 53 डिग्री। ये टावर है हम लोग का, ये टावर है हम लोग का, ए और बी, ये टावर है। कितना हाइट है ये दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हमको काम नहीं। फिर बोला क्या, तो यहां से फेंकोगे तो पहले ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे जाएगा, बोलो ठीक है। तो बोला क्या कि जब उसका हाइट 0.45 मीटर हो जाए तो उस समय उसका स्पीड बताना है। अच्छा, हम एक चीज पूछते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी हम बताने जाएंगे तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में कौन वेरिएबल होगा? Y होगा, X वाला तो कांस्टेंट होगा। तो क्या हम सीधा सीधा Vx का वैल्यू Ux के बराबर U cos 53 डिग्री लिख दें? Yes. U का वैल्यू 5 और cos 53 का वैल्यू 3/5, ये सॉल्व करने से आ गया 3 मीटर पर सेकंड। ये केवल X आया, ये केवल X आया है, ठीक है। अब आपको y के बारे में सोचना होगा, y के बारे में क्या हम vy is equals to uy plus ayt, और दूसरा vy का स्क्वायर is equals to uy का स्क्वायर plus 2ay into sy। तुम बताओ इन दोनों में से कौन इस क्वेश्चन के डाटा के लिए सुटेबल इक्वेशन है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे sy दिया है। तो चलिए भाई यहीं से प्रोसीड कीजिए। तो vy का स्क्वायर इज इक्वल टू uy, uy कहने का मतलब 5 का साइन 53, 5 साइन 53 डिग्री का स्क्वायर प्लस 2 एक्सलेशन में माइनस g और sy में 0.45। तो vy का स्क्वायर हो गया 5 साइन 53 है 4/5 का स्क्वायर माइनस 2, जी का वैल्यू 10 और यहाँ 0.45, ये हो गया भी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 5/5 कट गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या ये 9 आएगा, 16 में से 9 गया, क्या ये 7 आया? Yes, अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, उसका चाहिए वेलोसिटी, स्पीड बताना है भाई। आपको अगर स्पीड बताना है तो x कंपोनेंट आया था 3 और y कंपोनेंट आया 7, इसका रिजल्टेंट निकालिए। x कंपोनेंट आया 3 और y कंपोनेंट आया है 7, उसका रिजल्टेंट निकालिए। x कंपोनेंट आया है 3 और y कंपोनेंट आया है रूट अंडर 7, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, मतलब रूट अंडर 3 का स्क्वायर और यहां 7 लिख दें, 9 और 7 16 का 4 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा स्पीड है किसी भी 0.45 मीटर हाइट पे। बोलो समझ में आया है कहीं 4? हाँ ये है। अच्छे से प्रोसेस देखो, अच्छे से डाटा देखो, अच्छे से तरीका देखो कैसे बनाया गया।
सब चीज को मिलाओ, बोलो जी, समझ में आ रहा है? यस सर। बनाओगे ना आप न्यूमेरिकल इसी तरह से? हम आपको एक एक करके दिखाते चल रहे हैं, आपको मेथड दिखाते चल रहे हैं कि कैसे आपको चलना है। आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा, फॉर्मूला याद कीजिए, कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कीजिए। लिखा है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन which makes an angle theta equals to 45 from horizontal. ये एक इंक्लाइन का भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अच्छा, can you imagine what is the figure of this particular question? What is the diagram of this question? Can you imagine? सोच लो, फिर हम बताते हैं। सोच लो, फिर हम बनाएंगे, देखना तुम्हारे सोचे गए तरीके से ये मैच करता है या नहीं। हो गया? अरे इमेजिनेशन है, इतने देर में तो तुम है ना मंगल ग्रह का यात्रा करके आ सकता है। चलो देखो भाई, 45 डिग्री का इंक्लाइन है और ऊपर से किसी एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंका गया। एकदम बोला है हॉरिजेंटल पे फेंकना, ऊपर से कितने स्पीड से फेंकना है भाई? 10 मीटर पर सेकंड, यही क्वेश्चन है। तो जब यहां से फेंकोगे तो यहां गिरेगा, ए से चलेगा यहां बी पहुंचेगा। तुमको बताना क्या है? फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो, ये 45 है ना, तो हॉरिजेंटल से फेंकने की वजह से ये भी हो गया 45। बोलो ठीक है। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया यू का साइन 45 और जी का वाई कंपोनेंट हो गया जी का कॉस 45। अब आपको याद है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2 यू का वाई और ए का वाई। यू का वाई में यू का साइन 45 और ए के वाई में जी का कॉस 45। बिकॉज 45 डिग्री एंगल है तो इजी है, कट गया 2 u के जगह पे कितना 10 और नीचे भी 10 भी कट गया। 2 सेकंड लगा इसको जमीन तक पहुंचने में, 2 सेकंड है कि नहीं? हाँ है। इज दिस क्लियर? यस। तो ऐसे आपको है ना इंक्लाइन के ऊपर सोचना है, क्वेश्चन रहेगा और आपको इस तरीके से चलना है। अच्छा, इसी केस में अगर हम रेंज पूछ दें तो कैन यू फाइंड दैट रेंज? मतलब ए से बी तक का अगर हम आपसे डिस्टेंस पूछ दें तो कैन यू फाइंड दैट रेंज? यस सर। चलो तुमको 2 मिनट दिए, रेंज निकालो। 2 मिनट दिए, रेंज निकालो। डू इट फास्ट। तो देखिए, अगर हमको रेंज निकालना है ना, अगर हमको रेंज निकालना है तो हम वेलोसिटी का एक्स लेंगे जो हम सीधा लिखते 10/√2 और हम जी का भी ये वाला कंपोनेंट लिख देंगे g/√2 और टाइम होगा मेरे पास 2 सेकेंड। तो हम लिखेंगे uxt प्लस हाफ एक्सलेशन x एंड t स्क्वायर। तो ux में आ गया है 10/√2 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस हाफ एक्सलेशन में आ गया है g/√2 मल्टीप्लाई विथ 2 का स्क्वायर। तो यह आ गया 10√2 प्लस 2 से 2 कटा, 2 से रूट 2 कट गया, फिर से एक 10√2। तो योर करेक्ट आंसर इज 20√2। क्या हो गया जी? क्या नहीं बना, क्या नहीं सोच पाए? स्क्वायर नहीं किए थे 2 का स्क्वायर 4। वाह वाह वाह, इसीलिए जानते हो फिजिक्स पढ़ने के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है।
कि बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट ऑल डिपेंड्स कि आप है ना कितना अच्छा है ना क्वेश्चन रीड किया, कितना अच्छा कैलकुलेशन किए, ठीक है? यस चलो बताओ। देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब कॉन्सेप्चुअल है, बताइए बताइए विथ रीजन बताइए। लिखा है वन स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ 20 मीटर हाई क्लिफ विद एन इनिशियल स्पीड 10, अ सेकंड स्टोन इज साइमल्टेनियसली ड्रॉप फ्रॉम दैट क्लिफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। गलत है, बिल्कुल गलत है। द बॉल विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट, ये बोलो गलत है कि सही? उसका पता नहीं हम लोग को स्पीड। नहीं एकदम पता है, तुम ध्यान नहीं दिया, हम यही बोले ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जब तुम इस पॉइंट से किसी बॉल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकते हो और तुम उसी जगह से एक बॉल को ड्रॉप करते हो, तो मेरा पहला बॉल और दूसरा बॉल क्या दोनों का वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है? यस सर। क्या दोनों का एस वाई का वैल्यू सेम है? तो यहां यस पे जितने देर में मेरा पहला बॉल सॉरी दूसरा बॉल जितने देर में पहुंचेगा, मेरा तो आप जब दोनों को फेंकते हैं नीचे की तरफ, तो वैसे केस में इसको जितना समय T2 लगेगा जमीन तक पहुंचने में, याद रखना T1 भी उतना ही समय लगेगा, क्योंकि दोनों का वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो टाइम 1 बोलो या टाइम 2 बोलो, दोनों का सेम है। देखो डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों का वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम, दोनों का वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन सेम, तो टाइम भी सेम लगेगा। बोलो समझा? यस सर। बोथ द बॉल हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम, दिस इज द करेक्ट आंसर। दोनों ग्राउंड को सेम टाइम में हिट करेगा, क्योंकि दोनों का UY सेम है, दोनों का SY सेम है, दोनों का AY सेम है, तो टाइम भी सेम आएगा। आई होप सो समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। यस यस सर। चलो ये तो क्वेश्चन अभी तुम एनिमेशन में देखे थे, चलो देख के तुरंत बता दो। जल्दी बोलो जल्दी। ए इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन, बिल्कुल सही। अभी हम लोग एनिमेशन में देखे थे। अभी देखो ये इंक्लाइन पे क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 37 विद द इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड दिस। द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज 53, देन द मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइन प्लेन इन ट्रेन बाय द पार्टिकल विल बी, जस्ट एक फिगर बनाना है आपको, एंगल है 37 और एक इससे फेंके आप 53 डिग्री पे, तो ये ऐसे मूव करता हुआ यहां जाएगा। बोला इंक्लाइन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट कहां ले, ये इंक्लाइन से सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट है। पता है यहाँ पे सारा का सारा वेलोसिटी एक्स में है, इस पॉइंट पे वाई के डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है, बोलो है या नहीं? तो आप इसमें भी वाई को 0 करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चंस है, हम सब आपको है ना आज के नोट्स में भेज रहे हैं, ये सब आप ट्राई करके आएंगे, जो आपसे नहीं बनेगा वो सब आप हमसे पूछिएगा, ओके? चलिए ठीक है, ये रहा प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स का एंड। अगले दिन से फिर से आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग